स्टूडेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज का हमारा नेक्स्ट पार्ट है मिंट पेटी थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, या मिंट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज भी हम कह सकते हैं। ये मिंट थ्योरी क्या है? मिंट थ्योरी में क्या होता है, जब दो कंट्रीज़ हैं उन दोनों के करेंसीज़ में मेटलिक स्टैंडर्ड है, यानी कि मेटल की करेंसी उनमें चल रही है, जब दो देशों में मेटलिक करेंसी चल रही है, तब उन देशों की जो रेट डिसाइड होती है एक्सचेंज रेट, वो मिंट रेट कहलाती है। जैसे मेटल की कोई चीज़ होनी चाहिए, जैसे इंडिया में मान लो सिक्के हैं, या अमेरिका में भी कोई मेटल की कोई चीज़ चल रही है, उनके भी सिक्के मानो, कॉइंस मानो, तो दोनों में क्या है, मेटल की करेंसी आ गई, तो दोनों में मेटल की करेंसी आई, तब जो रेट हमारी डिसाइड होगी वो कहलाई जाएगी मेटल एक्सचेंज रेट। अब दोनों में एक्सचेंज रेट उस टाइम किस हिसाब से डिसाइड करेंगे हम, जब दोनों देशों में मेटलिक करेंसी होगी, गोल्ड भी कह सकते हैं या सिल्वर भी, और सिल्वर करेंसी अपने यहाँ, गोल्ड करेंसी उनके वहाँ पे होगी, तो हम किस हिसाब से मिंट रेट डिसाइड करेंगे। व्हेन द करेंसी ऑफ टू कंट्रीज आर ऑन ए मेटलिक स्टैंडर्ड, द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन देम इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ पैरिटी ऑफ मिंट रेशियो बिटवीन द करेंसी ऑफ द टू कंट्रीज, ठीक है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। दस द थ्योरी एक्सप्लेनिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट बिटवीन कंट्रीज विच आर ऑन द सेम मेटलिक स्टैंडर्ड, से गोल्ड और कॉइन स्टैंडर्ड या सिल्वर का स्टैंडर्ड है, इज नोन एज मिंट पेटी थ्योरी ऑफ फॉरन एक्सचेंज रेट। तो अब बेसिकली हमारा पॉइंट है कि हम किस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि इनके अंदर एक्सचेंज रेट क्या होगी। जैसे डॉलर है वो 75 रुपीज़, अब ये डिसाइड कैसे हुआ, डॉलर इज इक्वल टू 75 रुपीज़, वैसी हमारी जो मिंट होगा, जो भी हमारे पास मेटलिक करेंसी होगी, उसको हम किस रेट पे डिसाइड करेंगे, डॉलर के मुकाबले या पाउंड के मुकाबले, किसी भी करेंसी के अगेंस्ट कैसे डिसाइड करेंगे मिंट पेटी थ्योरी में। वो तो हमारी पेपर करेंसी थ्योरी है, परचेजिंग पावर के ऊपर है कि एक डॉलर इज इक्वल टू 75 रुपीज़, लेकिन मिंट पेटी थ्योरी में हम कैसे डिसाइड करेंगे। मिंट पेटी थ्योरी में डिसाइड करने का तरीका हमारा गोल्ड का रहता है कि प्योर गोल्ड कितना है, प्योर गोल्ड कितना है हमारे मेटल में, जो हमारे पास मेटल है उससे हम प्योर गोल्ड कितना खरीद सकते हैं, उसके मुकाबले में हम एक्सचेंज रेट डिसाइड करेंगे। जैसे इसके अंदर एक नीचे एग्जांपल है हमारा, इफ़ करेंसी ए कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ गोल्ड, यानी जो उनका मेटल है उसके अंदर 10 ग्राम का गोल्ड है एक मेटल के अंदर, एंड बी कंटेन्स 5 ग्राम ऑफ गोल्ड, बी जो कंट्री है उसके पास 5 ग्राम उसके अंदर गोल्ड है, जो मेटल है, मेटल की करेंसी है उसमें, तब फिर एक्सचेंज रेट किस हिसाब से डिसाइड होगी, 1A, यानी 1A इज इक्वल टू 2B हो जाएगा, 1A इज इक्वल टू 2B हो जाएगा। कैसे, क्योंकि दुगना उसके अंदर है, ए जो कंट्री है उसके पास बी से दुगना गोल्ड उसके अंदर, उसके मेटल के अंदर है, या दुगना गोल्ड उससे ज़्यादा खरीद सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, यानी जो मेटल है मेटल के अंदर या तो 10 ग्राम गोल्ड है और दूसरी कंट्री के अंदर 5 ग्राम गोल्ड है, तो ए के पास क्या हुआ, दुगना हुआ ना गोल्ड, तो उसकी करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस बी से दुगनी हो जाएगी, बी से दुगनी हो जाएगी, मतलब में एक रुपया एक मेटल इज इक्वल टू 2 मेटल हो जाएंगे बी करेंसी के। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हमारा ये हो सकता है कि जो मेटल है उससे 10 ग्राम या 20 ग्राम या 30 ग्राम वो गोल्ड खरीद सकता है एक कंट्री अपने उतने मेटल से, जो भी मेटल की करेंसी है, और बी उससे 5 ग्राम 10 ग्राम या 15 ग्राम मेटल गोल्ड ही खरीद सकता है अपने उस मेटल की करेंसी से, या इस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं, या जो उसके अंदर कितनी वैल्यू गोल्ड के मेटल के अंदर है गोल्ड की, उसके हिसाब से हम रेशो डिसाइड कर लेंगे और हम एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर सकते हैं मिंट पर पेटी थ्योरी में।
जैसे ऊपर लिखा है बाय मिंट पेटी इज मिंट दैट द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड ऑन ए वेट टू वेट बेसिस ऑफ द टू करेंसी अलाउंस बीइंग मेड फॉर द पेरिटी ऑफ मेटेलिक कंटेंट ऑफ द टू करेंसीज दस द वैल्यू ऑफ ईच कॉइन गोल्ड और सिल्वर जो भी है विल डिपेंड अपॉन द मेटल गोल्ड और सिल्वर कंटेंट इन द कॉइन एंड इट विल फ्रीली सर्कुलेट बिटवीन द कंट्रीज। ठीक है, तो हमको इसी हिसाब से डिसाइड करना है कि जो वो मेटल है उसके अंदर कितना गोल्ड है या सिल्वर है, जो भी वो डिसाइड करे उसकी वैल्यू कितनी है, और दूसरी कंट्री के अंदर जो मेटल है उसके अंदर गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू कितनी है, फिर दोनों का हम रेशियो डिसाइड कर लेंगे, फिर हमारी एक्सचेंज रेट आ जाए। ये बेसिक हम बता रहे हैं, बाद में हम मिंट पार पेटी थ्योरी के कुछ जो एडवांटेज क्या है या उसके डिसएडवांटेज क्या है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। दूसरी हमारी थ्योरी आती है अभी हम इसका थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, दूसरी थ्योरी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ये जो पहले मैंने बताया ये एक्सचेंज रेट किस हिसाब से डिसाइड करेंगे वो हमने डिस्कस किया है, मिंट पार पेटी थ्योरी एक तो होती क्या है और एक्सचेंज रेट इसके अंदर कैसे डिटरमाइन करेंगे। अब इस ये जो हमारी थ्योरी है ये आजकल क्या हो चुकी है, ऑब्सोलेट हो चुकी है, यानी कि अब ये एग्जिस्ट नहीं करती है। उसके रीज़न क्या है, फर्स्ट रीज़न है नन ऑफ द मॉडर्न कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज़ ऑन गोल्ड और मेटेलिक स्टैंडर्ड, यानी कि कोई भी कंट्री आजकल मॉडर्न जो भी कंट्री है वो गोल्ड स्टैंडर्ड में नहीं है, गोल्ड और मेटेलिक स्टैंडर्ड में है ही नहीं। मेटेलिक में है तो वो उनकी सेकेंडरी करेंसी है, जैसे अपनी सेकेंडरी करेंसी कौन सी है, ये सिक्के कॉइन्स, लेकिन प्राइमरी कौन सी है, प्राइमरी तो हमारी क्या है, पेपर करेंसी है। तो इस हिसाब से कोई भी कंट्री आजकल इसके अंदर मेटेलिक करेंसी में नहीं है। फ्री बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गोल्ड इंटरनेशनली इज़ नॉट परमिटेड, इंटरनेशनली हम फ्रीली गोल्ड और सिल्वर को बाय और सेल नहीं कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज टुडे आर ऑन पेपर स्टैंडर्ड, पेपर स्टैंडर्ड पे ही मोस्टली करेंसीज आजकल होती हैं हर कंट्री की। तो इन रीज़न से क्या है कि आजकल मिंट पार पेटी थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हमको स्टडी करनी है कि होती क्या है, मिंट पार पेटी थ्योरी है क्या, कैसे इसके अंदर एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करेंगे। अब हमारा सेकेंड है परचेजिंग, इसके बाद जो परचेजिंग पावर पेटी थ्योरी, हम किस हिसाब से एक्सचेंज रेट परचेजिंग पावर के हिसाब से डिसाइड करेंगे दो कंट्रीज़ के बीच में।